ठीक है। तो बच्चों सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या आंसर लोग लाइव हो चुके हैं। ओके ओके, तो आई थिंक हम लोग लाइव हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से आपका साइंस के धमाकेदार लेक्चर में स्वागत करता हूं। बच्चों साइंस का लेक्चर अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिहार एसआई कांस्टेबल क्या है, एक ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बस आप सुन लीजिए। लेक्चर तो आज साइंस का ही लगना है। देखो आपको पता है कि बिहार कांस्टेबल की 21,391 पोस्ट आई है। इनमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए रक्षक बैच स्टार्ट हो चुका है, और इस बैच का जो दाम है वो सिर्फ और सिर्फ 108 रुपए, यानी 108 रुपए में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ओके, तो अगर आप लोग बिहार कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई मित्र, महिला मित्र, पुरुष मित्र, कोई भी तैयारी कर रहा है, तो आप उनको इस बैच के बारे में बता सकते हो। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 9896 4 102 411 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों बहुत स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है और सिर्फ 108 रुपए में ध्यान रखना ये सारे के सारे सब्जेक्ट। खास बात इसमें क्या है, इसमें जो जीएस चलेगी उसमें एक स्टेटिक जीके का पोर्शन भी ऐड किया गया है, बिहार स्पेशल, ये इसकी सबसे खास बात है ना। चलो अब आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, कहां गया कहां गया, यस ये रहा। तो केमिस्ट्री का एक बहुत खतरनाक चैप्टर होता है, क्योंकि जब भी कभी इससे क्वेश्चन आता है तो लोग हमेशा गलत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, है ना। ये फिर भी लोगों ने पढ़ रखा होता है, लेकिन कई बार इसके सवाल जब अंदर से पूछे जाते हैं कि बताइए इस अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, कितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, तो भी बड़ी गलतियां हो जाती है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास H2SO4 के 98 ग्राम है, और इस 98 ग्राम में बताइए सल्फर के कितने परमाणु होंगे, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो अगर आपको ये चीज निकालनी नहीं आती तो वेलकम टू माय पाठशाला, दिस इमेजिंग सेशन, आपको देखिएगा बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और ऐसे सारे के सारे सवाल सॉल्व करने वाले हो। दूसरी बात है ना, दूसरी बात आपको मोलरता, मोललता और इसके अलावा नॉर्मलता, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत बना हुआ है, तो ये टॉपिक भी मैं आज पूरी तरह से कवर करने वाला हूं, यानी एक ऐसा लेक्चर जो आपके केमिस्ट्री की नॉलेज को बढ़ा दे रहा। ओके, थोड़ा और बात कर लेते हैं हम लोग आगे। एएलपी टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, आप यानी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को भी ज्वाइन करने के लिए आपको 6393-8125-760 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, और पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच, यानी आप कह सकते हो CBT 1 + CBT 2, पूरा का पूरा आपका 864 रुपए में। चलिए बाकी प्रमोशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मेन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर की, और इस चैप्टर को आज मैं पूरा खत्म करूंगा बच्चा, पूरा A to Z। ठीक है हर्ष राज, वेरी गुड इंद्रजीत, तुम बहुत दिनों बाद आया यार इंद्रजीत, है ना। चलिए तो क्या है ये चैप्टर पहले समझो बच्चों, ये वाला चैप्टर जो है इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, हमें मोल के बारे में समझना होता है। मोलों का मतलब ये होता है कि आप मुझे बताइए कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या कितनी है, और इसी चैप्टर में ध्यान रखना हम लोग मोल नॉर्मलता और मोललता भी पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। इससे कई बार हमारे पास थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों, और कई बार ध्यान रखिएगा इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो मैं दोनों चीजें आज आपको कवर करने वाला हूं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बस आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, ये चैप्टर आज पूरा फिनिश हो जाएगा, है ना। ऐप पर गुरुजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं अभी डलवा दूंगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने किताब लिखी तो मैंने ये चैप्टर ऐड किए, तो अभी मोललता नॉर्मलता ये एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है चलो आगे देखिए, तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हर स्लाइड के बाद आप मुझे समझा देना कि ये आपको समझ में आया नहीं आया, है ना। देखो पहली हेडिंग जो सबको डालनी है, अवोगाड्रो नंबर, हाँ अवोगाड्रो नंबर, जिसको हम हिंदी में भी अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि अवोगाड्रो नंबर का मान कितना होता है। बच्चों याद रखना जब भी कभी आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ मिले, उस वर्ड का नाम क्या है, उस वर्ड का नाम है अवोगाड्रो नंबर। तो याद रखना अवोगाड्रो नंबर को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे एनए से, किससे, एनए से। और जहां जहां मैं एनए लिखूं बच्चों उसका मतलब एक ही होगा, 6.023 × 10³। जहां जहां मैं आपको अवोगाड्रो संख्या एनए लिखूं उस एनए का मतलब एक ही होगा,
6.023 इंटू 10^23। ओके सर, एलपी के सिलेबस में कुछ चेंज कर सकता है नहीं कर सकता? देखो सीबीटी वन में नहीं चेंज हो रहा, कुछ नहीं चेंज हो रहा, नहीं चेंज हो सकता, क्यों? क्योंकि जीडीसीई में आज भी वही सिलेबस है जो एलपी का सिलेबस है, इसलिए। ओके अब देखो बच्चों, अवोगाड्रो नंबर के बाद अवोगाड्रो ने एक नियम दिया था। नियम यह कहता है कि समान ताप और समान दाब, यानी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के लिए गैसों के निश्चित आयतन में, ध्यान रखना, विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में, मतलब मैं आपको ढेर सारी गैस ले लूं, अब बात को समझना, जैसे कि मैंने पहला कंटेनर लिया, मैंने दूसरा कंटेनर लिया और मैंने तीसरा कंटेनर लिया, ये मेरे पास तीन कंटेनर है। ओके और ये जो मेरे पास तीन कंटेनर है, इन तीनों कंटेनर का वॉल्यूम हमारा सेम है, इन तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है बच्चों वो सेम है, ध्यान से सुना, यानी इसका भी आयतन वी है, इसका भी आयतन भी है, इसका भी आयतन भी है। हमने तीन तीन कंटेनर लिया और तीनों का जो आयतन है बच्चों वो कैसा मान लिया हमने, तीनों का जो आयतन है वो समान मान लिया, यानी इन तीनों का जो आयतन है बच्चों वो समान है। अब तीन कंटेनर है, तीनों कंटेनर का मैंने आयतन समान ले लिया, पहले कंटेनर में मैंने भर दिया मान लीजिए कोई एक गैस, इसको मैंने कह दिया ये मेरी मीथेन है, ध्यान सुना, दूसरे कंटेनर में एक गैस भर दिया, इसको मैंने कह दिया कि सर ये ऑक्सीजन है, और तीसरे कंटेनर में भी मैंने एक गैस भर दिया और इस गैस को मैंने बोल दिया कि सर ये तुम्हारी नाइट्रोजन है, एकदम कायदे के साथ सुनना। तो मैंने समान आयतन ले लिया और समान आयतन में देखो अलग अलग गैस भर दी, विभिन्न गैस भर दी, तो इनके जो अणुओं की संख्या होगी, इनके जो अणुओं की संख्या होगी वो समान होगी, है ना। तो समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या बच्चों वो कैसी होगी, तो समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। तो अगर कई सारी गैसों का, कपिल गौतम वो भी स्टार्ट होने वाला है, बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, वो भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना, थोड़ा बेसिक साइंस का एक दो लेक्चर बचा हुआ है, कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास अलग अलग गैसें हैं और इन सारी गैसों में आयतन समान है, तो इनमें जो अणु होंगे, यानी मीथेन के अणु, ऑक्सीजन के अणु और नाइट्रोजन के, उनकी भी संख्या समान होगी। ठीक है सर, संख्या समान होगी तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकाला जाता है बच्चों कि आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर तुम्हारे पास एक मोल है तो एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो कह देना एक मोल में अणुओं की संख्या बतानी है 6.023 × 10^23 अणु। एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 × 10^23 बताना है और एक मोल में जो आयतन बताना है वो भी आपको बताना है 22.4 लीटर। ये दो डेटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये दो डेटा डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या मैंने डेटा बताया? डेटा ये बताया है बच्चा कि एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 × 10^23 अणु। नहीं देखो, होता क्या है ना, कई बार मुझे लगता है कि मेरे जो YouTube के बच्चे हैं ना, मुझे उनको अच्छा कोई कंटेंट देना चाहिए, तो मैं ऐसे बढ़िया लेक्चर लाके आपको देता रहूंगा, है ना, तो वो एक अलग बात है यार। बाकी अगर रेगुलर आपको क्लास चाहिए, एकदम सिक्वेंस चाहिए, तो आपको फिर एप्लीकेशन पे ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि मेरे पास अगर एक मोल है तो उसमें अणुओं की संख्या इतनी होगी, एक मोल में आयतन 22.4 लीटर होगा। बोलो बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है ना? तो ये दो पॉइंट मैंने आपको बताया, इन दोनों पॉइंटों को लिख लीजिए, साथ साथ आप ये लिखिए कि समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब तीसरी बात सुनो बच्चों, जब हमसे कहा जाता है कि सर ये मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो याद रखना मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल निकालने के तीन फॉर्मूले मैं बताता हूं, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करना। पहला फॉर्मूला सुनिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला होता है उसका द्रव्यमान बटे अणुभार। ओके, द्रव्यमान बटे अणुभार, ये पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, द्रव्यमान बटे अणुभार, ये पहला फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, अणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर रखिए, अणुओं की संख्या ऊपर रखिए बटे अवोगाड्रो संख्या, ये दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का। और नंबर ऑफ मोल निकालने का तीसरा फॉर्मूला होता है बच्चों,
आयतन ऊपर रखिए और 22.4 लीटर जो आयतन आपने निकाला था उसे नीचे रखिए, है ना। तो आयतन ऊपर रखकर 22.4 लीटर को नीचे रखिए, ये याद रखिएगा हमारा कौन सा फॉर्मूला है। सर ये तीसरा फॉर्मूला है, रजनीकांत कह रहे हैं सर आपने तो कसम नहीं खाई है कि किसी का भी नाम नहीं लेने। अरे रजनीकांत मैं तुम्हारा नाम तो कई बार लेता हूं यार। तो तीन फॉर्मूले जरूर याद रखिए, एक तो द्रव्यमान बटे अणु भार, ओके, दूसरा फॉर्मूला याद रखिए अणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या, और नंबर ऑफ मोल निकालने का तीसरा फॉर्मूला याद रखिए आयतन बटे 22.4। बट यहां पर जो आयतन होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, क्योंकि नीचे 22.4 है। यहां पर जो द्रव्यमान होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम में, क्योंकि यह अणु भार है। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यही तीन फॉर्मूले हमारे कह सकते हो मोलों की संख्या निकालने के स्तंभ है। तो आप पहले मुझे बताओ इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई, पहली वाली स्लाइड सबको क्लियर है, एक बार थम्स अप करके बताइए। अभी सब मैं पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो फिर से रिपीट करते हैं, 1 मोल में 6.023 × 10³ अणु होते हैं, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। ओके, मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे अणु भार, दूसरा फॉर्मूला अणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या, तीसरा फॉर्मूला आयतन बटे 22.4। ओके, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके एप्लीकेशन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं, और बड़े ध्यान से सुनना, इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहली कंफ्यूजन कि पानी मतलब H2O का मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान कितना होना चाहिए। बच्चों, इन्होंने बोला है कि पानी का यानी H2O का सबसे पहले तुम्हें बताना है कि बताइए मोलर द्रव्यमान क्या होना चाहिए। आप मुझे बताइए मोलर द्रव्यमान क्या होगा। उसके बाद इन्होंने एक और बोला है कि बताइए इसका आणविक द्रव्यमान कितना होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इन दोनों द्रव्यमानों में बड़ा कंफ्यूजन होता है और कई बार ऑप्शन में भी जब आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मोलर द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान कितना होना चाहिए, बताओ, होती है ना कंफ्यूजन, ठीक है। सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक बार थम्स अप करके बताइए। तो बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, ठीक है। तो अगर मैं H2O का निकालूं तो बच्चों H2O का मतलब हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 1, ऑक्सीजन की संख्या 1 है इसलिए 16 × 1, तो फाइनली मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 18। बोलो 18, तो तुमने अणु भार निकाल लिया। ध्यान से सुनना कायदे के साथ, तो पानी का जो अणु भार होता है बताइए वो किसके बराबर होता है, तो कह देना पानी का अणु भार 18, बताइए। लेकिन प्रश्न ये आता है कि 18 द्रव्यमान, 1 तो 18 बट मोलर नहीं पता, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कैसे बताना बच्चों, तो मोलर द्रव्यमान को कहना है क्योंकि ये मोलों की संख्या से बिलोंग करता है, 18 ग्राम बोलिए, मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम बोलिए। लेकिन जब आणविक द्रव्यमान पूछा जाए तो बच्चों आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है 18 AMU। कई बार AMU की जगह पर सिर्फ U लिखा होता है, कई बार AMU की जगह पर क्या लिखा होता है, U, है ना। तो याद रखिएगा, और ये कैसे आया ये भी मैं प्रूफ कर सकता हूं, आणविक द्रव्यमान कैसे आया। देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन ऐसे समझो, ओके। और टोटल देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग इसकी, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन में ध्यान रखना 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन टोटल 18 हो जाता है, और 18 हो जाने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त, 18 हो जाने का मतलब 18 AMU बताना है आपको, ठीक है। बच्चों यहां जो AMU लिखा है ना, उसका मतलब होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो 1 AMU बराबर होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। और याद रखना, जब भी कभी आपको मोलर द्रव्यमान पूछा जाए तो आपको 18 ग्राम बताना है, आणविक द्रव्यमान पूछा जाए 18 AMU बताना है। AMU का मान इतना होता है, हाँ, AMU का पूरा नाम अगर कोई पूछे तो आपको बताना है, AMU का पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट।
बोलो भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? सर गुरुदेव ओके, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्लास लेकर आइए। ठीक है बच्चा, गुरुत्वाकर्षण भी आ जाएगा। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए। अगर मैं H2SO4 पूछूं, H2SO4, तो फटाफट सब लोग कमेंट करके बताएंगे H2SO4 का बताइए मोलर द्रव्यमान कितना कहना है आपको, और जल्दी मुझे बताइए इसका आणविक द्रव्यमान कितना कहना है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, जल्दी बताइए H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना कहोगे, और फटाफट मुझे बताइए इसका आणविक द्रव्यमान कितना कहोगे। एकदम खटाक से आंसर आना चाहिए और फट से हमारा सवाल सॉल्व होना चाहिए। H2SO4 बताओ, आंसर दो। साउंड सही है बच्चा, साउंड एकदम सही है। हाँ साउंड एकदम सही है। अमरेंद्र थोड़ा देखिए, साउंड एकदम सही दोस्त। चलो बताओ, तो कहना H2SO4 का पहले अणु भार निकाल लो सर। हाँ, तो दो हाइड्रोजन तो 2×8, सल्फर का होता है 32×8, 16 का होता है 16×4। मेरे भाई टोटल जरा जोड़ के देखिए, 16×64, 64×2=66, और जोड़ दीजिए 32 तो 98 आ जाएगा, अणु भार 98। लेकिन जैसे मैंने कहा मोलर द्रव्यमान बताओ, तो आपको 98 ग्राम बताना है मेरे दोस्त। और याद रखना, आणविक द्रव्यमान पूछा जाए तो 98 AMU बताना है। बहुत मजेदार पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा। इतना सब लोग सीट डे, एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ सब लोग सीट डे नहीं सीटे। चलो अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, इतना सीट डे। चलिए एक और चीज सिखाता हूं। जल की एक बूंद जिसका द्रव्यमान 36 ग्राम है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मेरे पास जल की एक बूंद है, मान लीजिए जल की बूंद है, अब उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। तो बोला ही जा रहा है कि मेरे पास पानी की एक बूंद है, जल की एक बूंद है, और बताइए इसका द्रव्यमान इन्होंने कितना बोला है। सर इसका द्रव्यमान बोला है 36 ग्राम, सिर्फ जल की एक बूंद का द्रव्यमान 36 ग्राम है। ठीक है, हाँ सल्फर का 32 होता है मेरे भाई। इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए, कि बताइए जल में कितने अणु होंगे, यानी जल में तुमसे अणुओं की संख्या पूछ रहा है, कि बताइए जल के अणुओं की संख्या कितनी है, पानी के अणुओं की संख्या कितनी है, तुमसे सवाल ये पूछ रहा है। ओके, तुमसे सवाल ये पूछ रहा है। ओके, तो बच्चों 36 ग्राम में पानी के कितने अणु होंगे। अणु मतलब H2O, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों परमाणु। लेकिन अगर मैं कहूं अणु, तो पूरा जो H2O होता है, इस पूरे H2O को बोला जाता है बच्चों अणु। समझ में आया ना इतना? तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। बिना नंबर ऑफ मोल्स के काम नहीं चलेगा। तो कह देना मोलों की संख्या एन बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणु भार। बताओ द्रव्यमान बटे अणु भार, बताओ। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो द्रव्यमान तुम्हारा 36 हो गया, और पानी का मैंने कई बार आपको बताया है कि पानी का जो अणु भार होता है, अभी अभी निकाल के बताया था कितना होता है 18। ओके 18 नीचे रखिए। तो बताइए मोलों की संख्या कितनी आ रही, 2। इतनी बात सबको क्लियर हो रही, अरे मोलों की संख्या क्लियर हो रही है ना। आप दूसरी बात सुनो, इन्होंने अणुओं की संख्या पूछी है पानी के लिए, तो याद करो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, स्मॉल एन बराबर होता है अणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या। स्मॉल एन का दूसरा फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या। तो कहना मोल का नाम 2 आ गया, ओके अणुओं की संख्या निकालनी है, अवोगाड्रो संख्या हो गई 6.023 × 10³। कई बार आप तो मान भी नहीं रखते, डायरेक्ट एन ए रख देते हैं। तो अणुओं की जो संख्या आ गई वो आ गया एक प्रकार से 2 × NA। मैं डायरेक्ट 2 × NA कर दूं, NA का मान तो तुम्हें पता ही है ना, NA का मान तो पता ही है। और NA का मान रखकर आप बताइए अणुओं की संख्या बता दोगे, कि पानी के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो कह देना पानी के अणुओं की संख्या होगी सर 2 × NA, और NA का मान भाई साहब सबको पता है, मल्टीप्लाई कर लेना। मेन मुद्दा ये नहीं है मेरा, मेन मुद्दा ये नहीं है। अब मेन बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। सर आपने पानी के अणु तो बता दिए, लेकिन मैं अगर पूछूं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, मैंने आपसे पूछा मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो आंसर क्या बताओगे आप? और धोटे से मैंने पूछा ऑक्सीजन परमाणु की संख्या,
तो बताइए आंसर क्या बताओगे आप। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर वेयर करते रहो भाई फटाफट, है ना। चलिए बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या कहेगी जनता। तो कहना पानी के जो अणु आ गए वो 2Na का मान रख दीजिए, पता चल जाएगा पानी के अणु इतने हैं। लेकिन मुझसे पूछ लिया जाता है मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, तो कैसे निकालेंगे। तो कहना जब हमारे पास पानी का एक अणु होगा तो उसमें हाइड्रोजन है दो, हाइड्रोजन कितने हैं भैया दो, तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन है दो, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन है दो, तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन है दो और पानी के अणुओं की संख्या आ गई 2Na। देख लो सुनो ध्यान से, पानी के अणुओं की संख्या है 2Na और एक अणु में हाइड्रोजन है दो, तो भैया हाइड्रोजन परमाणुओं की टोटल संख्या हो जाएगी 4Na, हाइड्रोजन परमाणु की टोटल संख्या हो जाएगी 4Na। समझ में आया ना इतना बात। Na की वैल्यू पुट कर दीजिए मान पता चल जाए। दूसरा सुनो, हाइड्रोजन के एक अणु में यानी पानी के एक अणु में, पानी के एक अणु में ऑक्सीजन है एक, पानी के एक अणु में ऑक्सीजन है एक, ऑक्सीजन कितना है एक, तो बच्चों ऑक्सीजन है एक और पानी के अणुओं की संख्या है 2Na, पानी के अणुओं की संख्या 2Na और एक अणु में एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी टोटल कितनी हो जाएगी 2Na। बोलो बच्चों, पहले आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताओ आप लोग ये वाली बात सीख पाए कि नहीं सीख पाए, क्योंकि यही बात सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। कोई बात नहीं विवेक, कोई बात नहीं, पढ़िए टीजे। देखो फिर से सुनिए, पानी के अणु आए 2Na, लेकिन पानी के एक अणु में दो हाइड्रोजन, इसलिए दो का मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन के परमाणु निकला, पानी के एक अणु में एक ऑक्सीजन इसलिए एक का मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन के परमाणु निकला है। साउंड प्रॉब्लम चेक कर लीजिए, ठीक है मैं चेक करवा लेता हूं। ठीक है पहले आप मुझे इतनी साउंड थोड़ा चेक कर लो यार। ओके तो आप लोग मुझे ये बताओ यहां तक क्लियर है ना। चलो मैं आगे बताता हूं, अगला पॉइंट सुनो। अब कई बार क्या होता है कि जब भी कभी हमारे पास मोल के कॉन्सेप्ट से सवाल आता है तो ऐसा सवाल भी कई बार बनता है। पिछले लेक्चर में मैंने इस तरह का सवाल सॉल्व कराया था, इस बार फिर से सॉल्व करा देता हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना और कैलकुलेशन कैसे करना है उसको सुनिए। जैसे कि सवाल लिखा हुआ है 16 ग्राम मीथेन के दहन से 18 ग्राम पानी बनता है, क्या यह बात सही है। मीथेन के दहन से पानी बनता है, क्या यह बात सही है। तो सुनो मेरे भाई, देखो बच्चों होता क्या है कि जैसे कि मेरे पास ये रहा मीथेन और दहन कराने का मतलब होता है कि रिएक्शन कराई जा रही है ऑक्सीजन के साथ। बच्चों जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और चार हाइड्रोजन जो है वो दो H2O पानी बनाएंगे, है ना। लेकिन अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, दो ऑक्सीजन इधर दो ऑक्सीजन इधर चार ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए मुझे यहां 2O2 करना पड़ेगा। बताओ इतनी बात सबको क्लियर है, टोटल XYZ है, वेरी गुड। चलिए अब जब भी कभी आपको यहां द्रव्यमान के हिसाब से कैलकुलेशन दी जाए तो आप द्रव्यमान के हिसाब से लिखिए। देखो देखो मीथेन मतलब 16 ग्राम, O2 32 होता है, O2 बच्चों 32 होता है, 2O2 64 ग्राम, 2O2 कितना हो जाएगा 64 ग्राम, CO2 का होता है 44 ग्राम, ये सबको आता ही होगा, है ना, और H2O 18 और 18 दूनी 36, क्योंकि दो H2O है। साउंड में आंधी सी आ रही है, आंधी सी आ रही है, आंधी सी। चलो एक बार मैं चेक करा लेता हूं, साउंड एक बार चेक कर लो यार। ठीक है तो बच्चों इधर बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो आप पता है क्या कहोगे इसको। सर आप इसको बोला जाएगा कि 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, 44 ग्राम CO2 बनाता है और 36 ग्राम पानी बनाता है। बोलो ऐसा बोला जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यार अभी तक ओके, मैं माइक चेंज करा लेता हूं जल्दी से, तो नहीं साउंड की प्रॉब्लम है।
इसी ले गया दूसरा वाला। दो मिनट सब लोग रुक जाइए, क्योंकि आवाज का इश्यू हो गया और माइक खराब हो गया। यार क्या बताएं, इतना मेरा मन था ना आज, मैं आपको सही बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल वोल में डालना ना, इसे बता दूंगा मजा आ जाएगा आपको। थोड़ा रुक जाइए इतना। ठीक है, ये वही पुराना वाला है क्या? चलिए एक बार थोड़ा बताइए, आवाज आ रही है? अब वापस आवाज आ रही नहीं? आया ना यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, चैप्टर पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आया आवाज? जल्दी से एक बार बता दीजिए, आवाज आया कि नहीं आया है? फटाफट जल्दी से मुझे बताइए, आवाज आया कि नहीं आया? आ गया आवाज? ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा था मोल के अनुसार कैसे देखना है। तो मोलों के अनुसार देखने के लिए इसकी आगे की संख्या देखी जाती है। हरा मतलब ये देखो, मीथेन के आगे एक लिखा है तो आप कहना कि यहां एक मोल लिखिए। ओटो के आगे दो लिखा हुआ है तो यहां दो मोल लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे एक लिखा है इसलिए एक मोल लिखिए। H2O के आगे दो लिखा है इसलिए यहां बताइए क्या लिखिए? सर दो मोल लिखिए। बोलो बच्चा, बात सबको क्लियर हो रही? नहीं क्लियर हो रही? ठीक है, तो जब भी कभी आपसे ग्राम में कैलकुलेशन पूछी जाए तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए, मोल में कैलकुलेशन पूछी जाए तो नीचे वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए, और बहुत आराम से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बोलो बच्चा, बात सबको क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान सुनना, हैबर विधि से जब अमोनिया बनाते हैं, हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों? अमोनिया। तो हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं, तो बताइए हैबर विधि से अमोनिया बनाते समय अगर मैंने अमोनिया के
अगर मैंने अमोनिया के 10 मोल ले लिए, अमोनिया कितने मोल ले लिए 10, तो मुझे बताइए नाइट्रोजन के कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, ऐसे सवाल बनेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो मेरे भाई बताओ, अगर हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण करते हैं, अब मुझे अमोनिया के कितने मोल बनाने, 10 मोल, तो आप फटाफट जल्दी से मुझे बताइए। हाँ बच्चा, सॉम फाउंडेशन मैथ में सब मिलेगा यार, जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो फाउंडेशन मैथ पे क्यों नहीं पढ़ाऊंगा यार। तो हैबर विधि से अगर अमोनिया बनाना है और अमोनिया के 10 मोल बनाने हैं, तो नाइट्रोजन में बताइए मोलों की संख्या कितनी होगी। आंसर बताइए जल्दी से, फटाक से, कमॉन कमॉन। देखो तो मैंने कहा कि अगर ऐसा करना है सर तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाएगा अमोनिया, है ना। तो क्या रिजल्ट निकला सर? सर नाइट्रोजन के आगे संख्या 8, यानी 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन से बनेगा 2 मोल अमोनिया। बोलो, 1 मोल नाइट्रोजन से बनेगा 2 मोल अमोनिया। रिएक्शन बैलेंस से बैलेंस करके करना। तो बच्चों हमें अमोनिया के बनाने हैं 10 मोल, तो अमोनिया के अगर बताओ 10 मोल बनाने हैं, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल, तो 10 मोल अगर अमोनिया बनाना है मेरे भाई, तो यहां पर बताइए कितने मोल नाइट्रोजन चाहिए होगा। सर 5 मोल नाइट्रोजन चाहिए होगा, 5 मोल आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के 5 मोल। देखो सब लोग 40 आंसर दे रहे हैं, कुछ भी, सिर्फ नाइट्रोजन के मोल पूछे गए थे बच्चा, सिर्फ नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के बताइए कितने मोल चाहिए रहेंगे, सर 5 मोल चाहिए रहेंगे भाई। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा, तो 10 मोल अमोनिया बनाना है, 10 मोल अमोनिया बनाना है तो कितने, 5 मोल चाहिए रहेंगे। अरे बोलो क्लियर है, बताइए एक बार थम्स अप करके बताइए सबको क्लियर हो गया। तो कई बार ऐसे सवाल बनते हैं, और अगर आपको अभी भी डाउट है सर, अभी भी डाउट है, तो मैं तो कह रहा हूं एक एग्जांपल और ले लेते हैं यार, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा कि मुझे एथेन से एथेन का दहन कराया, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल मैंने और लिया, एक एग्जांपल और लिया, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते, एकदम आसान से लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को हर एक चीज वहां पर बता सकूं, ठीक है। जैसे कि मैंने यह कहा कि मुझे पानी का निर्माण करना है, पानी का निर्माण करना है यानी पानी बनाना है मुझे, और रिएक्शन भी दे दी H2+2H2+O2=2H2O, ये रिएक्शन दे दी। फिर मैंने आकर कहा कि अगर आपके पास पानी के, ध्यान से सुनिएगा, पानी के यानी H2O के 20 मोल बनाने हैं, तो बताइए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए रहेंगे। पानी के 20 मोल बनाने हैं तो बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए होंगे, आंसर दीजिए, बताइए इसका टेस्ट आंसर दीजिए जिस जो दे सके। तो कहना बहुत आसान है सर, देखो रिएक्शन पूरी बैलेंस है, यहां पर एक लिख दो तो 1 मोल O2 बताइए कितना मोल H2O देगा, तो कह देना 2 मोल H2O देगा, यहां 2 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें कितना मोल H2O बनाना है, 20 मोल H2O बनाना है, तो बताइए 2 धन 20, तो यहां 10 गुना करना पड़ेगा, आंसर जाएगा 10 मोल O2 चाहिए रहेगा, यही तुम्हारा सवाल का उत्तर है, बस कुछ करना ही नहीं है, इससे आसान तरीका कुछ होता ही नहीं है मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए, ट्राई मारिए जरा इसको, समझ में आ गया ना। चलो और देखिए, अगर राहुल के पास 12.6×10^23 ऑक्सीजन के परमाणु है, बच्चों ऑक्सीजन के परमाणु बोल दिए, कितने परमाणु है, परमाणु मतलब एन, 12.06×10^23 इतने परमाणु है ऑक्सीजन के, ऐसा बोल दिया अगले सवाल में, तो उसके पास ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, उसके पास ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, ये सवाल है, है ना। तो परमाणु देकर भी तुमसे कई बार मोल पूछता है, हो सकता है इसने मोल पूछा, कल को एग्जाम में पूछ ले कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा ये भी पूछा जा सकता है, कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, दोनों में से कुछ भी पूछा सकता है, बताओ। अगर ऑक्सीजन के इतने, अब देखो कैसे, तो मैंने यहां पर एक फॉर्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ मोल निकालने का, याद कीजिए,
नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला था परमाणुओं की संख्या बटे अवोगा ड्रो संख्या। बच्चों नंबर ऑफ मोल में परमाणु है 12.06 गुणे 10^23 और अवोगाड्रो संख्या कितनी है 6.023 इंटू 10^23। बताओ, अरे थोड़ा ऊपर नीचे काट दो यार, तो ऊपर ऊपर और नीचे काटा जाएगा तो ये संख्या दो बार कट जाएगी तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, दो है ना, मोलों की संख्या दो आ रही। लेकिन मास्टर तुमने एक चीज और पूछ ली, लगली कर दी, कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, इन्होंने पूछा कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, चलो बताओ कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, ये भी तो पूछा ना तुमसे, आंसर बताइए। तो ग्राम में निकालना है तो मोलों की संख्या का दूसरा फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, एम बटे कैपिटल एम, ठीक है। मोल कितने हैं, दो, द्रव्यमान तुमसे पूछ रहा है। अब जैसे कैपिटल एम रखने की बारी आएगी तो कैपिटल एम जब भी कभी आपको रखना होगा बच्चों, तो हमें यह देखना है कि परमाणु है कि अणु है, तो ऑक्सीजन का परमाणु है यानी सिर्फ ओ की बात हो रही है, अगर यही अणु लिखा होता तो ओ टू लेते, तो सिर्फ परमाणु लिखा है और है, तो बच्चों ओ का, सिर्फ ओ का जो भार होता है वो 16 होता है, ओ का भार 16 होता है, इसलिए सही आंसर द्रव्यमान में जाना चाहिए 32 ग्राम, सही आंसर जा रहा 32 ग्राम, 64 भी कह देना ना, 32 सही है, चलो वेरी गुड, एकदम सटीक आंसर दिया। चलिए इस तरह का सवाल जब आपके सामने एग्जाम में आता है तब थोड़ा लकड़ी फंस जाती है। सुनील, उमंड, जिंदगी, हिमांशु, सारोठ, वेरी गुड, रोशन, उज्जवल, विवेक, प्रवीण, बच्चों ऐसा सवाल जब हमारे सामने आता है ना तो बड़ी लकड़ी आ जाती है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ऐसे सवाल कैसे लगाने और बड़े मोहब्बत के साथ लगाएंगे ऐसे सवाल, एक बार सीख लीजिए दोबारा कभी गलत नहीं होगा, विश्वास बनिए। हाँ, आज मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होगी, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणु की संख्या उतनी होगी जितनी की फलाना फलाना डिटाना डिटाना लिखा है। तो बच्चों इन्होंने अणु बोला है, इसका मतलब बात ओ टू की हो रही है। द्रव्यमान कितना बोला है, 16 ग्राम, बोलो द्रव्यमान कितना बोला है, 16। तो बोला ही जा रहा है कि इस 16 ग्राम ओ टू में जितने अणुओं की संख्या होगी बताइए वो इनमें से किस में होगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना सर, सिर्फ नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्योंकि समान नंबर ऑफ मोल होने पर अणुओं की संख्या समान हो जाएगी, बस नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। बताओ नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर रखिए द्रव्यमान, ऊपर रखिए द्रव्यमान, और चूंकि बात हो रही है अणु की तो अणु भार O2, 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 सर 32, तो नंबर ऑफ मोल बताइए कितना हो जाएगा, 1/2, नंबर ऑफ मोल 1/2 आ गया, आ गया। तो इनमें से जिस आंसर में नंबर ऑफ मोल 1/2 आएगा बस वही सवाल का उत्तर है। चलो बताइए, सबसे पहले CO की बात करते हैं, इसका अणु भार कितना होगा, तो कह देना 16 और 12 28, तो बच्चों 16/28 करना होगा, 1/2 नहीं आएगा। चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन मतलब N2, N2 मतलब 28, N2 का अणु भार 28 होता है, बताइए N2 का अणु भार क्या होता है, 28 है ना, 14^2 28, तो 28/28 करेंगे नंबर ऑफ मोल 8 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नाइट्रोजन का 14, देखो नाइट्रोजन का 28 और 14 ग्राम है तो 14/28 सर, हाँ इसमें 1/2 मोल आ रहा है, ये पॉसिबल होगा आंसर। H2 सर, H2 का अणुभार हो जाएगा 2, क्योंकि H2 है, H2 तो H2 का अणुभार 2, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 1/2 और 1/2 करेंगे तो 1/2 इसमें भी आ रहा है। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल जब मैंने इन सभी में निकाला सर, इन सभी में जब नंबर ऑफ मोल निकाला तो इसमें नंबर ऑफ मोल निकल के आया 16/28, सुन रहे हैं ना सब लोग, 16/28, इसमें नंबर ऑफ मोल निकल के आया 28/28, इसमें नंबर ऑफ मोल निकल के आया 14/28, इसमें नंबर ऑफ मोल निकल के आया 8 और हाइड्रोजन का 2 होता है, H2 लिखा है 1/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल 1/2 के बराबर कौन सा आंसर आया, तो कह देना भैया तीसरा और चौथा दोनों में नंबर ऑफ मोल 1/2 है, 1/2 है। तो आप मुझे बताइए कौन सा आंसर सही हो जाना चाहिए, तो तीसरा और चौथा इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। बताइए कोई भी बच्चा
कोई भी बच्ची जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि सर हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं फटाफट आपको वो उत्तर बता दूं। बताओ, अरे बोलो फटाफट, सबको समझ में आ गया? मैं इसी सवाल में एक सवाल तुमसे पूछूंगा और उसका तुम्हें आंसर देना है। बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, आप लोग दे पाओगे उसका आंसर? क्लियर है? नहीं समझे? हिमांशु जी कह रहे नहीं समझे। चलो हिमांशु जी मुझे ये बताओ, मैं बात सीओ की करता हूं, सबसे पहला आंसर लिखा है सीओ, चलिए सीओ का अणुभार मुझे बताइए। तो कार्बन का कितना होता है सर? कार्बन का होता है 12, 12 चार 16, 18, 12 चार 12 और 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 28। तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? द्रव्यमान 16 ग्राम है, 16/28, 16/28 सॉल्व करने से 1/2 नहीं आएगा, यहां पर नंबर ऑफ मोल कितने लाने हैं? 1/2, 1/2। तो ये आंसर नहीं सही है भैया, यहां नंबर ऑफ मोल 1/2 है, वहां 1/2, यहां 1/2 नहीं है। तो जब 1/2 नहीं है तो इसका मतलब इसमें अणुओं की संख्या जो है इसके बराबर नहीं हो सकती, इसके बराबर नहीं हो सकती। सेम तरीके से आप इसको निकालो यार, तो 28/28 आएगा क्योंकि दूसरा नंबर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अगर मैं अणुभार तुमसे पूछता हूं कि बताइए नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, तो आप सीधा सीधा कहना 28। और अगर नंबर ऑफ मोल निकालता हूं तो द्रव्यमान भी 28 ग्राम दिया गया है, 28 हमारा अणुभार भी है, तो नंबर ऑफ मोल 8। तो इसमें नंबर ऑफ मोल 8 आ रहा है, इसमें 1/2 नहीं आ रहा है क्योंकि 16/32 होता ना, तो 1/2 लाना है। ठीक है ना? अब तो क्लियर हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। ऐसा ही एक सवाल और, प्यारा सवाल, जल्दी से मुझे लगा के दिखाइए सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। ऐसा ही एकदम सवाल, बपन मंडल आप मुझे बता दो जरा। ठीक है, सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म में अणुओं की संख्या समान है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें अणुओं की संख्या समान है? डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट आएगा। हिमांशु सिंह समान समझ में आ रहे ना? देखो बच्चों, इसमें से वो युग्म बताना है जिसमें अणुओं की संख्या समान है। तो अब मोलों की संख्या से निकाल लो, अगर अणुओं की संख्या समान है तो मोल भी बराबर होना चाहिए, मोलों की संख्या समान होना चाहिए। चलो नाइट्रोजन के 14 ग्राम कितने मोल होंगे? सोचो N2 के 14 ग्राम कितने मोल होंगे? सर यहां पर जो मोल आएंगे वो 14/28 यानी 1/2 मोल होंगे इसके। सुनना ध्यान से सर, O2 के 16 ग्राम, तो O2 के 16 ग्राम इसका मतलब 16/32, और 16/32 हमारा कितना होता है? तो 16/32 1/2 होता है, यहां पर भी 1/2 मोल। ले ओ सर, पहले ही उत्तर सही हो गया, पहले ही उत्तर खटाक से सही हो गया, पहला उत्तर एकदम सही हो गया क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मोल समान। दूसरे उत्तर में देखो, O2 के 8 ग्राम तो 8/32 1/4, CO2 के 22 ग्राम सर 22/44 1/2 बराबर नहीं है, समझ रहे हैं बात को? नाइट्रोजन के 28 तो 28 ग्राम 28/28 N2 28 8 मोल, 22/44 1/2 मोल बराबर नहीं है। O2 के 32 ग्राम 32/32 1 मोल, N2 के 32 ग्राम तो 32/28 बराबर नहीं है। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल जो है बराबर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, ए ऑप्शन में। तो ए में अगर नंबर ऑफ मोल बराबर है बच्चा, तो परमाणु अणुओं की संख्या भी बराबर होगी। इसमें आंसर 1/2 मोल प्रूफ करके लाना है। हां बिल्कुल, आप ऐसा कर, 1/2 लाना जरूरी नहीं है, जो इसमें आए वही इसमें आए, जो इसमें आए वही इसमें आए, याद रखिएगा। चलो ट्राई मारिए जरा इस सवाल को, जल्दी से ट्राई मारिए, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। हिमांशु सिंह समझ आया ना? 1/2 जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ दोनों में जो आए वो बराबर आना चाहिए। सवाल देखिए क्या है, H2SO4 के 98 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या बताइए। बच्चों H2SO4 का मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी तभी इसके अणुभार पूछा जाए तो बताइए इसका अणुभार डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 98 होता है ना। लेकिन उन्होंने पता लकड़ी कर दी,
इन्होंने मुझसे ना मोलों की संख्या ना पूछकर ऑक्सीजन के परमाणु पूछे हैं कि बताइए ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे। ओके, कैसे लगाओगे वाले सवाल को? तो बच्चों इसमें भी सबसे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ मोल बताने होंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल। अरा तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं? तो कह देना 98 ग्राम है, अणु भार भी 98 है, तो बताइए नंबर ऑफ मोल 8 हो गया। बताओ 1 मोल हो गया, यहां तक क्लियर? तो सबसे पहले 1 मोल आ गया। अब आप बताएंगे H2SO4 के अणुओं की संख्या, पहले बताएंगे अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बताइए। तो कहना अगर H2SO4 के अणु चाहिए तो 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.023, या फिर सीधा सीधा Na लिख दो, है ना, 1 मोल में Na ही तो अणु होते हैं। तो अणुओं की संख्या 1 Na आ रही, Na का मान सबको पता है, Na की वैल्यू सबको पता है ना, तो ये अणुओं की संख्या है। लेकिन मुझसे पूछा है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, मुझसे पूछा है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, समझ में आया? चलो ऑक्सीजन के परमाणु बताओ कैसे निकले थे। तो कहना एक अणु में 4 ऑक्सीजन के परमाणु है, एक अणु में 4 ऑक्सीजन के परमाणु है और अणुओं की संख्या Na है। सुनो अणुओं की संख्या Na है, लेकिन एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु है? 4। तो आंसर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या Na होगी और ऑक्सीजन के परमाणु जो होंगे वो 4 Na होंगे। समझ में आया है इतनी बात? क्योंकि ऑक्सीजन 4 है। अगर यही हाइड्रोजन के परमाणु पूछ लेता, सोचते देखिए, तो कहना हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या पूछी जाती मेरे दोस्त, तो एक अणु में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या हो जाएगी 2 गुणे अणुओं की संख्या, यानी 2Na, है ना। सेम तरीके से अगर सल्फर के परमाणु पूछे जाते कि बताइए सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, सल्फर के परमाणु, तो कहना सल्फर के केवल 1 परमाणु है, एक अणु में 1 परमाणु, तो अणुओं की संख्या है, मॉलिक्यूल्स की संख्या Na, और एक अणु में 1 परमाणु सल्फर का है, इसलिए 8 × Na। बस आपको मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता। हाँ ठीक है हिमांशु, समझ में आया ना बच्चा? तुम नए स्टूडेंट लग रहे हो, लेकिन अभी धीरे 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 सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कैसे हमें अणुओं की संख्या बतानी है, कैसे परमाणुओं की संख्या बतानी है, ये सब लोगों को सीखना होगा बच्चा, ना। चलो अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, मोल अंश, ये नहीं है डेंगे, समझना बड़े ध्यान से मोल अंश क्या होता है, कॉपी में डाल लेना इस हेडिंग को, मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश, ठीक है। क्या होता है मोल अंश मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां कंटेनर दिखाया और बच्चों इस कंटेनर में मैंने 2 गैसों को मिश्रित करके भर दिया, कोई भी दो गैसों को आपस में मिला के भर दिया। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, यहां पर मैंने 2 गैसें ऐसे मिला के भर दी, एक लाल वाली एक काली वाली, है ना। काली वाली को मैंने बोल दिया गैस नंबर ए और लाल वाली को बोल दिया मैंने गैस नंबर बी। ओके ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैंने काली वाली को ए कह दिया तो ए के मान लीजिए नंबर ऑफ मोल Na है, अब बी के मान लीजिए नंबर ऑफ मोल Nb है। बहुत ध्यान से एकदम कायदे के साथ सुनना, मैंने एक बर्तन लिया अंकिता, ये मैंने अभी जो किताब बनाई है नॉर्मलता वगैरह, ये ऐड है, ये परमाणु, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में सब कुछ ये पढ़ा है, थोड़ा बाद में लास्ट में देखिए ना सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ नॉर्मलता और मूलकता ऐड नहीं है, वो मैं भी ऐड कर दूंगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक बंद पात्र है और उसमें मैंने देखिए 2 तरह की गैसें भर दी, एक गैस ए दूसरी गैस बी, गैस ए के नंबर ऑफ मोल Na, गैस बी के नंबर ऑफ मोल Nb। तो जब मैं पूछूंगा कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में मोल अंश, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश ऑफ ए, एक तो मुझे ए का मोल अंश बताना है, तो बच्चों ए का जो मोल अंश होना चाहिए N1
एट जो मोल अंश होना चाहिए एन वन, वो ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या है एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ए का मोल अंश ये हो जाएगा, ए का मोल अंश एन वन बराबर ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। और यही अगर चीज पूछी जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी मोल अंश ऑफ बी, तो बी के मोलों की संख्या ऑफ बी, तो बी के मोलों की संख्या ऊपर एन टू शो करेंगे, एन टू बराबर बी के मोलों की संख्या ऊपर रखिए मेरे दोस्त, और बताइए टोटल मोलों की संख्या यानी एन ए प्लस एन बी नीचे रख दीजिए, ये बी का मोल अंश हो जाएगा। ये देखो बताओ, इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, समझ में आया ना इतना? तो ए के मोल ऊपर बटे टोटल मोल, बी के मोल ऊपर बटे टोटल मोल, ए के ओ मोल बटे टोटल मोल, ये समीकरण नंबर वन, ये समीकरण नंबर टू। इन दोनों की मदद से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बच्चों, हाँ मोल फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं समीकरण नंबर वन और समीकरण नंबर टू को जोड़ दू, यानी ए के मोल अंश और बी के मोल अंश को जोड़ दू, तो जोड़ के देखिए हमारा क्या मिलेगा, वन। ओके, तो बच्चों कोई मिश्रण में अगर दो ऐसे हैं तो उनके सारे मोल अंश जोड़ दीजिए, तो बच्चों मोल अंश जोड़ देने से हमें हमेशा योगफल कितना मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, बताओ इतनी बात सबको क्लियर हो गई? थम्स अप करके बताइए ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया ना, फटाफट जल्दी से बताइए बात क्लियर है। तो मोल अंश एन वन कैसे निकाला जाएगा, एन टू कैसे निकाला जाएगा, इसमें एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, नोट करके, कि यदि मिश्रण में तीन गैस हो, यदि मिश्रण में तीन गैस हो, तो फटाफट मुझे बताइए, अगर मिश्रण में तीन गैस है तो पहला ए का मोल अंश, फिर बी का मोल अंश, फिर सी का मोल अंश कैसे निकलेगा? अगर मिश्रण में तीन गैस है, कई बार हो सकता है एक नहीं तीन गैस हो, तो बच्चों याद रखना जब तीन गैस होती है तो ए का मोल अंश हो जाएगा एन ए, और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा टोटल, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, समझ रहे आया? बी का मोल अंश हो जाएगा एन बी डिवाइड बाई एन ए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और सी का मोल अंश हो जाएगा एन सी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो जब मिश्रण में तीन गैसें होती हैं तो हम लोग मोल अंश इस तरीके से कुछ निकालते हैं, कॉपी में नोट डाउन करना सब लोग। हाँ बिल्कुल उज्ज्वल, एकदम सही कह रहे हो आप। ओके हाँ बिल्कुल, मोल प्रभाज भी कहते हैं मोल अंश को, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन लगा के मुझे दिखाइए, फटाफट बताइए कैसे लगेगा। पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है केवल, कौन सी पीडीएफ में यार? चलो यार सवाल देखिए, बोला जा रहा है कि भैया 40 ग्राम मैंने क्या ले लिया, तो कह देना 40 ग्राम मैंने ले लिया, सोल्यूशन बता रहा हूं, 40 ग्राम बताइए क्या ले लिया, NaOH। ओके, 54 ग्राम बताइए क्या ले लिया, सर 54 ग्राम ले लिया जल। ओके, तो NaOH का मोल अंश बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बताना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH यानी NaOH का मोल अंश बताना है कि NaOH का मोल अंश क्या होना चाहिए बच्चों। तो जब भी कभी हमें किसी कंपाउंड का मोल अंश बताना पड़ेगा तो हमें सारे मोल्स निकालने होंगे। पीडीएफ टेलीग्राम में मिलता है क्या सर? हाँ, क्वेश्चन आंसर करते हैं भाई। ठीक है, आपस में बात कर रहे हो, ठीक है कोई बात। तो पहले मुझे बताइए यहां पर NaOH के मोल अंश कितने हो जाएंगे, या NaOH का मोल कितना होगा? फिर आपको निकालना होगा बच्चों यहां पर पानी के मोल, पहले दोनों के मोल निकालने होंगे, डायरेक्ट निकालना सीख लो यार। देखो NaOH का अणुभार कितना, मोल पहले बता रहा हूं, NaOH मतलब 23, सोडियम का 23 होता है बच्चों, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 8। ठीक है, सेम तरीके से दो हाइड्रोजन 16 जोड़ लीजिए, तो NaOH के मोल हो जाएंगे ऊपर 40 ग्राम और नीचे अणुभार वो भी 40 बराबर 8। पानी में आइए, 16 दुनी 18, तो ऊपर 54 ग्राम नीचे 18 अणुभार, तीन मोल। आपने अलग अलग मोल निकाल लिए, बताओ अलग अलग आपने मोल निकाल लिए, एक और तीन आ रहे हैं ना। अब देखिए
क्या NaOH का मोल अंश पूछ रहा है? तो बच्चों अगर NaOH का मोल अंश पूछ रहा है मेरे भाई, तो NaOH के मोल ऊपर रखिए, है ना, NaOH के मोल ऊपर रखिए, और बताइए जो टोटल मोल है, टोटल मोल वो कहां रखिए, नीचे। तो NaOH के मोल कितने हैं सर? 1 है, टोटल मोल 8 और 3 4, यानी NaOH का मोल अंश 8/4। ठीक है, एक बार कमेंट में बताइए सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया, फटाफट जल्दी मुझे बताइए, कोई ऐसा बहादुर है जो जो ये बात क्लियर नहीं कर पाया हो, फटाफट जल्दी मुझे बताइए। तो ये अगर डायरेक्ट नहीं आया तो 1, NaOH का 1 और पानी का 3, तो टोटल बताइए आंसर 8/4 के साथ जाएगा, NaOH के मोलों की संख्या 8/4। अरे बोलो थम्स अप करके बताओ क्लियर है, अरे क्लियर है तो यह वाला सवाल लगा के दिखाइए, फटाफट बताइए, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भी मेरी केमिस्ट्री किताब का क्वेश्चन है, फटाफट पढ़िए बताइए। एमटी हैदर, वेरी गुड वेरी गुड, है क्या बात है, चलिए आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। तो बच्चों यह वाला सवाल बोला जा रहा है कि बोला है पदार्थ एक्स का एनएक्स मोल अंश है और पदार्थ वाई का एनवाई मोल अंश है। ठीक है, तो बताना है आपको कि कौन सा पार्ट सही है, पहला पार्ट पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा उत्तर मेरा सही है। ध्यान से पढ़ना भैया, ओके। अरे कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हिंदी नहीं है, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लो, मोल अंश वही मोल फ्रैक्शन है ना। चलो देखो, बोला जा रहा है पदार्थ एक्स और वाई के मोल अंश का योगफल 8 होगा, बिल्कुल एकदम सही। अगर एक्स और वाई 2 है तो एक्स और वाई के मोल अंश का योगफल 8 होगा, सर ये एकदम सही है। देखो एक्स का मोल अंश कितना है, तो एक्स का मोल अंश लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, एकदम सही भाई। सोल्यूशन में तो सब चीज आ जाती है ना, सोल्यूशन में जब सब चीज आ जाती है तो आप कह सकते हो ये भी सही है। y का मोल अंश क्या लिखा है, ny बटे nx प्लस ny, ये भी सही है। और x का देखिए मोल अंश क्या लिखा हुआ है, सर x का लिखा हुआ nx बटे ny प्लस ny, ny प्लस ny नीचे लिखा हुआ है, बस सर यही लकड़ी कर दी आपने, यही वाला गलत है सर, यही वाला गलत है। तो आंसर जाएगा सर तीन पार्ट मेरे सही है, ऑप्शन नंबर c के साथ, a b और c के साथ। समझ में आ गया, एक बार थम्स अप करके बताइए क्लियर है। अरे बोलो सर पेट बैच में पढ़ा ऊपर से जा रहा है सर, यस सर मैंने पेट बैच में पढ़ा है, नहीं है आज तो सब ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, एक बार उसमें भी पढ़ लेना, उसमें भी ये सब है। चलो आगे देखिए, अब इसके बाद मुझे पढ़ाना है आपको विलयन, मतलब नॉर्मलता मोललता, तो इसके लिए भी थोड़ा ध्यान से समझना नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि विलयन क्या होता है, ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, ये पहले आप समझो। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हेडिंग आ गई, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों। सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान सुनना, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये कंटेनर दिखाया, फॉर एग्जांपल मेरे सामने आपके सामने ये कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर में मैंने पहले से जो है सर, पहले से जो है इसमें क्या भर दिया सर, पहले से मैंने इसमें भरा हुआ था, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सर पहले से भरा हुआ था इसमें पानी, क्या भरा हुआ था पहले से, पानी H2O, ओके, फिर पहले से पानी भरा हुआ था, ऊपर से मैंने क्या किया इसमें अल्कोहल डाला, ऊपर से क्या डाला सर, ऊपर से डाला मैंने अल्कोहल C2H5OH। तो बच्चों पहले से पानी था और ध्यान रखना ऊपर से मैंने अल्कोहल डाला और पानी और अल्कोहल को मिला दिया, तो बच्चों ध्यान रखना जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण प्राप्त हो जाता है तो ऐसे समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन के प्रत्येक बिंदु पर सांद्रता बराबर होनी चाहिए, मतलब अल्कोहल आपने मिलाया तो अल्कोहल की मात्रा हर बिंदु पर समान होनी चाहिए। कहते हो ना आप लोग, जब कहते हो 20% अल्कोहल है, भैया हम लोग जो शराब पी रहे हैं उसमें कितना परसेंट अल्कोहल है, सर अल्कोहल 20% है, तो 20% अल्कोहल का मतलब होता है कि बच्चों इसमें ना 80% पानी है और 20% बताइए क्या है सर, 20% अल्कोहल।
ठीक है। तो मेरे भाई जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण कहलाते हैं और जिसकी कंसंट्रेशन हर पॉइंट पे समान, जैसे कि 20% अल्कोहल है, तो बच्चों 20% अल्कोहल हर बिंदु पर 20% होना चाहिए। अगर ये वाला बिंदु उठाया, ये वाला बिंदु उठाया, ये वाला बिंदु उठाया, तो तीन बिंदु मैंने उठाया, तो तीनों बिंदुओं पर अल्कोहल की मात्रा 20% ही होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि हर बिंदु पर कंसंट्रेशन समान है। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने दारू में पानी मिलाया, जब पिया तो पहले यहां 10% अल्कोहल मिला, कोई नशा नहीं हुआ, जब नीचे आ गया तो अल्कोहल थोड़ा ज्यादा हो गया, नशा ज्यादा हो रहा, नहीं ऐसा नहीं। हर जगह अल्कोहल की मात्रा बराबर होनी चाहिए, दैट मींस नशा एकदम बराबर होना चाहिए। ओके, तो मेरे भाई आप ये कह सकते हो ना, ये कह सकते हो कि ये हमारा विलयन हो गया। अब विलयन का मतलब क्या होता है बच्चों, विलयन का मतलब क्या होता है? तो विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उनमें से एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, परेशान मत होइएगा। विलेय और विलायक इन दोनों को मिला के ही हमारा बताइए क्या बनता है, विलयन। इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है, विलयन। ओके, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, विलेय को बोलते हैं, विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट। विलेय को बोलते हैं सॉलिबल, और याद रखिएगा विलयन को क्या बोलते हैं, तो विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा विलेय यानी घुलने वाला पदार्थ, विलायक घोलने वाला पदार्थ, जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं सर, विलयन बनाते हैं, है ना। तो बच्चों एक और चीज सुनिए, सॉल्यूट, हाँ सॉल्युबल नहीं लिखेंगे, सॉल्युबल का मतलब होता है घुल गया, सॉल्यूट लिखेंगे, सही कह रहे हैं, चलो। अब दूसरी बात सुनो सर, सॉल्वेंट किसे कहते हैं बच्चों? सॉल्वेंट उसे बोला जाता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, याद रखना, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है बच्चों, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे कि यहां देखिए 80% पानी है और 20% अल्कोहल है, तो मात्रा ज्यादा किसकी हुई, सोचिए। सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, याद रखना, उसे बोलते हैं सॉल्यूट यानी विलेय। ओके, तो विलायक उसे बोलते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, विलेय उसे बोलते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। इन दोनों को मिला के विलयन कहलाता है, इन दोनों को मिला के बताइए क्या कहलाता है, विलयन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये सब चीजें आपको बहुत जल्दी यूट्यूब पे अच्छे से नहीं मिलेगी, मैं दावा करता हूं इस बात का। खासतौर से एसएससी रेलवे जैसी कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। चलिए बताइए, तो बच्चों जो ज्यादा होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, और जो कम होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट यानी कह सकते हो विलेय। ओके, चलिए बताइए पानी और अल्कोहल की बात करते हैं, तो 80% पानी है, 20% अल्कोहल है, 80% पानी यानी पानी तुम्हारा ज्यादा है। और बच्चों जब तुम्हारा पानी ज्यादा है, तो पानी ज्यादा है तो पानी तुम्हारा कहलाएगा विलायक यानी सॉल्वेंट, और अल्कोहल कम है, और अल्कोहल कम है तो जो चीज बच्चों कम होती है उसे बोलते हैं विलेय, सॉल्यूट। बताइए इतनी बात सबको क्लियर हो रही, नहीं क्लियर हो रही, फटाफट जल्दी से मुझे बताइए इतनी बात सबको क्लियर हो गई, कमेंट करके बताइए। अभी और भी आगे एक पॉइंट है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और मेरे भाई याद रखना, इन दोनों का मिश्रण हमारा विलयन कहलाता है। ओके, और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल ले लू, मान लीजिए मैंने आपसे कहा होता, एग्जाम्पल नंबर टू, मैंने आपसे कहा होता कि मेरे पास 80% सांद्रता वाला यानी कंसंट्रेशन वाला, 80% सांद्रता वाला H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। ओके, 80% सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल है, जब मैंने ये कहा 80% सांद्रता वाला, ओके मिलेगा, मिलेगा दिव्या, परेशान मत होइए, मिलेगा, जब मैंने बोल दिया मिलेगा, 80% सांद्रता वाला हमारे पास H2SO4 है, तो क्या होगा? तो बच्चों H2SO4 और सांद्रता के साथ पानी मिलाया जाता है, याद रखना, तो यहां पर 80% जो है हमारा H2SO4 है, तो 80% H2SO4 है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर 80% H2SO4 होगा तो बाकी बचा 20% क्या होगा, पानी। ओके, तो इस बार बताइए कौन
विलेय होगा कौन विलायक, तो कहना सर H2SO4 हमारा सॉल्वेंट होगा और H2O बताइए क्या होगा, सल्यूट होगा, जिसको आप बोलते हैं विलायक और विलेय। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक खतरनाक हेडिंग आ जाती है जिसको बोलते हैं मोलरिटी, मोलरता। यह बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इसी से सबसे ज्यादा लोग परेशान है, मोलरता नॉर्मलता फलाना फलाना डिटाना डिटाना। बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस सुनते रहिए आप लोग, है ना, मजा आ रहा है। अच्छा एक बार जो है आप लोग जहां कमेंट कर रहे हो वहां देखिए दिल है, थम्स अप, ये सब उड़ाने वाला एक इमोजी आ रहा हो, थोड़ा उड़ा दो जरा सब लोग जल्दी जल्दी, जहां आप लोग मोबाइल से कमेंट कर रहे हैं। तो मोलरता हेडिंग को पढ़ाने से पहले आप लोग जहां पर कमेंट कर रहे हैं उसमें देखिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नीचे की ओर, राइट साइड में नीचे की ओर दिल उम्मीद और ये सब जो है उड़ाने वाला कमेंट आया था, देखो मैंने अभी अभी उड़ाया है, उड़ा कि नहीं उड़ा बताइए जरा। अच्छा मेरे कमेंट बॉक्स में यहां नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ओके। तो बच्चों आप समझते हैं मोलरता क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनना, मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है मोलरता क्या होता है। बच्चों जब भी कभी मैं कहता हूं मोलरता बताओ क्या है, तो सीधा सीधा कुछ नहीं कहना, आपको बताने हैं विलेय के मोलों की संख्या। विलेय मैंने बताया कौन होते, जो कम होते हैं संख्या में, मात्रा में कम होते, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल, और डिवाइड बाई नीचे बताइए क्या होता है, तो सर नीचे होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और विलयन पूरा कहलाता है बच्चों, विलयन क्या कहलाता है, पूरा, और वो भी आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में, है ना। तो जब भी कभी हमें किसी भी विलयन की, ध्यान से सुनना, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में मोलरता निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी, मोलरता। तो बच्चों मोलरता निकालने का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल, और डिवाइड बाय विलयन का आयतन हमारा नीचे। ओके चलो सर दूसरी बात सुनिए, वो भी आयतन लीटर में होना चाहिए, इसका मात्रक क्या है, मोलरता का मात्रक क्या है, तो कहना मोलरता के मात्रक में ऊपर तो तुम्हारा विलेय के मोल हो गए और नीचे आयतन लीटर में है, तो मोल प्रति लीटर, मोलरता का कोई मात्रक पूछे कि बताइए मोलरता का मात्रक क्या है, तो आपको कहना है मोल प्रति लीटर। बताइए कैरा ग्रुप डी ऑल क्वेश्चन, फिर से थोड़ी ना यार, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ यार, फिर से क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर इसका कह सकते हो हमारा मात्रक हो गया। बताइए पहले एक बार मेरे साथ सब लोग फॉर्मुले को रिवीज कीजिए, देखो फॉर्मुला वही लिखा है, विलयन के एक लीटर आयतन में, विलयन के एक लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो मन में एक बार पहले मेरे साथ फॉर्मूला सुनिए, विलेय के मोल ऊपर रखिए, विलयन का आयतन नीचे रखिए, सर यही हमारी मोलरता होती है, बताइए यही हमारी क्या होती है, मोलरता। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, कई बार मोलरता ऐसे लिखा होगा 4m, 4m का मतलब होगा मोलरता, ठीक है, 4m का मतलब क्या होगा, मोलरता, और मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया 4mNaOH, ठीक है ऐसा लिख दिया, तो पता है इसका मतलब क्या होगा, 4MNaOH का क्या मतलब होगा, ये मतलब भी आपको समझ आना चाहिए, 4MNaOH का मतलब होगा कि विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में, ध्यान से सुनना कायदे के साथ, विलयन के 1 लीटर आयतन में NaOH के मोल, NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी होगी, तो कह देना संख्या 4 होगी, ये इसका मतलब होता है, 4 होगी। ओके चलो बताइए जल्दी से, सबको क्लियर है, इतनी क्लियर है, ठीक है बच्चा, एक बात मुझे बताओ, फिर से मुझे बताइए 4MNaOH का क्या मतलब होगा, विलयन के 1 लीटर आयतन में NaOH के मोलों की संख्या 4 होगी, हरा, या फिर कई बार आप लोग जल्दीबाजी में ऐसा कहते हो, जैसे मैंने कह दिया 8N का मतलब बताओ, तो सीधा सीधा कहना मोलों की संख्या, मोलों की संख्या 8, मोलों की संख्या 8 और कितने लीटर आयतन में, तो कह देना 1 लीटर आयतन में, बोलो। चलो आगे देखिए, इसे एक खतरनाक सवाल ले लेते हैं, ट्राई
बार ये जल्दी से इस सवाल को, आप फटाफट मुझे बताइए सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए। अमरेंद्र पीडीएम मिलेगा ना गुरु जी, वही पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे पीडीएम मिल जाएगा। बच्चों मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोग साइंस का कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं जो भी नए स्टूडेंट है, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा का पूरा साइंस का कंप्लीट बैच सिर्फ 399 रुपए में है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप 6393825760 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना, या डायरेक्ट माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसी एप्लीकेशन पे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताब को अपलोड कर दिया है ना, वो भी फ्री में। आप ईबुक वाले सेक्शन में जाना, वहां पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। अंतिता कह रही है कि आप इतना कुछ फ्री में मत पढ़ाओ, अरे हो जाने दो, पूरा चैप्टर हो जाने दीजिए, आप ऐसा मत सोचो कि वो नहीं है। देखो मैंने कहा ना कि जब मैं मूड में आ जाता हूं ना तो ऐसा लगता है कि ठीक है ना। चलो चलो सवाल देखिए, 360 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 250 विलयन आयतन बनाया गया, विलयन की मोलरता बताओ। बच्चों सबसे पहले तो ग्लूकोज यानी C6H12O6, बच्चों हमेशा याद रखना ग्लूकोज का अणु भार आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, समय नहीं बिताना। निकालने तो मैं निकाल सकता हूं, 12×72 = 16×96। तो जब इन तीनों को जोड़ा जाता है तो याद रखना 180 आता है, एकदम याद करना। हाँ हाँ भूपेंद्र सिंह, बायोलॉजी में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। बायोलॉजी तो अभी क्वेश्चंस बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो मैंने देखिए इसकी अणु भार निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया बच्चों, अणु भार निकाल लिया। अब दूसरा बात सुनो सर, इसके बाद आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, बताओ। तो नंबर ऑफ मोल हो गए सर 36 ग्राम, 360 ग्राम ग्लूकोज था और अणु भार था 180, तो बताइए कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। ध्यान से सुनना, मोलों की संख्या भी आ रही 2 मोल, बट सवाल में पूछा क्या जा रहा था, विलयन की मोलरता, विलयन की क्या पूछी जा रही थी, मोलरता। बच्चों मोलरता पूछी जा रही है ना, तो मोलरता का बताइए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, सामने देखिए मोलरता का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अरे यहां नहीं है, ये दूसरी चीज है। मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे आयतन को लीटर में रखा जाता है, आयतन को किसमें, लीटर में, बट आयतन तो 250 ml है। तो बच्चों 250 ml को लीटर बनाने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये किसमें आएगा, लीटर में। और 250 बटे 1000, बच्चों 1/4 लीटर होता है, 1/4 लीटर, बताइए 250 बटे 1000, 1/4 लीटर। और 1/4 जैसी मैं यहां फिट करूंगा तो 4×8 यानी मोलों की संख्या आ रही 8 मोल, मतलब मोलरता 8 मोल आ रही, मोलों की संख्या तो 2 है, तो मोलरता का बताइए कितना मान आ गया। तो कह देना यहां पर जो मोलरता आपकी निकल के आ रही सर वो 8 मोल निकल के आ रही, बोलो। सब कुछ क्लियर है बच्चों, सबसे बड़ी लकड़ी यहां है कि आयतन तुम्हारा था 250 ml, लेकिन उसे लीटर बनाने के लिए हमें 250 बटे 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि तो आयतन लीटर में रखा जाता है। तो आंसर बताइए किसके साथ जाना चाहिए, 1/4 लीटर के साथ जाना चाहिए। और अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, ये देखो मोलरता बराबर होता है विलयन के मोल बटे विलयन का आयतन, समझ में आ गया। थोड़ा बार सेशन को सब लोग कमेंट करके जरूर बताना, चलो। तो सब लोग एक बार वीडियो में, वीडियो को शेयर भी कर दो यार, बहुत कम बच्चे हो गए, क्या आपको लगता है। देखो हेडिंग मेरे पास क्या क्या है, मोलरता है, क्वेश्चन है मोलरता का, नॉर्मलता है, नॉर्मलता का क्वेश्चन है, एक संबंध भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है ये सब मैं छोड़ दूं, हैं? तो थोड़ा एक बार सेशन को पहले सब लोग जल्दी से शेयर कर दो बच्चा, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, तो अगली हेडिंग है मोललता, मोललता, ठीक है बच्चों। मोललता में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोललता क्या है तो कह देना मोललता का मतलब होता है इसमें ऊपर विलेय के मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोल होने ध्यान रखना, और नीचे बताइए क्या है तो कह देना नीचे होता है विलायक का भार। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है भैया,
यहां नीचे विलयन नहीं है, यहां है विलायक का भार, सॉल्वेंट का भार। और बच्चों ये जो भार है वो बच्चों क्लोराम में है, भार किसमें है? क्लोराम में, ठीक है। लेकिन अंतर है, अंतर है बच्चों, देखो जब आपने मोललता पर ही तो नीचे विलयन का आयतन था लीटर में, अब मोललता पर ही बच्चों तो नीचे है विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में, ठीक है। तो बताइए मोललता में अंतर आ गया ना, क्योंकि विलय के मोल ऊपर, नीचे विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। यहां क्या था सर? यहां था विलयन का आयतन लीटर में। यहां क्या है सर? यहां है विलायक का भार किलोग्राम में। न मात्रक क्या है? तो ध्यान रखना मोललता का मात्रक हो जाता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ओके, तो नीचे विलायक का भार है, अब विलायक छाटना पड़ेगा, ऊपर विलय के मोल उठ संख्या, नीचे विलायक का भार, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों ये मोललता बस फॉर्मूले से क्लियर कीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, 0.5 मोलर विलयन बनाने के लिए 1 लीटर में कितना NaOH मिलाना पड़ेगा? ये तो सवाल मोलरता से सॉल्व हो जा रहा है, मोलरता से सॉल्व हो जा रहा है, मोलरता से। देखो 0.4 मोलर विलयन, इसका मतलब पता है जब 0.5 मोलर विलयन कहा जाए, क्योंकि विलयन बोला जा रहा है, 0.5 मोलर विलयन है, तो मोलरता बताइए कितनी दे रही? सर मोलरता दे रही 5m, 0.5m, तो मोलरता हो रही हमारी 0.5m, ये ओके। आयतन बताइए कितना है? तो सवाल में आयतन लिखा हुआ है 1 लीटर, सर 1 लीटर आयतन है, ओके। फिर बोला जा रहा है NaOH के कितने ग्राम मिलाने चाहिए, यानी NaOH की मात्रा पूछ रहा है, NaOH का कितने ग्राम मिलाना चाहिए, है ना। ये सवाल ना मोलरता का सवाल है, मोलरता का, क्योंकि आयतन दिया गया है, मोल्स दिए ओवर दिए गए हैं, मोलर विलयन दिए गए। तो आप लोग मुझे बताओ मोलरता का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? तो कहना मोलरता का फॉर्मूला था, ऊपर था नंबर ऑफ मोल और नीचे बताइए क्या था? नीचे था विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, विलयन का आयतन वो भी लीटर में, यही तो था। चलो मोलरता बताइए कितनी है? सर मोलरता है 0.5, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, आयतन तुम्हारा 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल हो गए 0.5, ये देखो तो नंबर ऑफ मोल की संख्या आ रही, नंबर ऑफ मोल की संख्या आ रही 0.5। लेकिन मुझे द्रव्यमान पूछा जा रहा था, तो मोलों की संख्या का एक और फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बटे अणु भार। बताओ द्रव्यमान बटे अणु भार, ये सबने पढ़ा है ना, मैंने हर चीज एकदम शुरुआत से क्लियर किया यार, ऐसा नहीं है, है ना। तो बताइए मोलों की संख्या हमारी 0.5, द्रव्यमान तुमसे पूछ रहा है, और NaOH का अगर मैं अणु भार पूछूं तो Na का 23, H का 24 और 16 ऑक्सीजन का 16 यानी 40। तो फाइनली बताइए NaOH का द्रव्यमान 40 × 0.5 यानी 20 ग्राम के साथ उत्तर जाना चाहिए, इस सवाल का आंसर 20 ग्राम। सबसे पहले आप सब लोग मुझे एक बार फिर से थम्स अप करके बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा हो गया। इसमें मोलरता देकर द्रव्यमान पूछ रहा जा रहा था, मोलरता देकर द्रव्यमान पूछ रहा जा रहा था। तो सब लोग फिर से मुझे थम्स अप करके बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, एक बार बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को, लास्ट में मुझे सब लोग कमेंट करके बताना जरूर, उज्जवल, अंकिता, प्रवीण, जिंदगी, सीएसके, सबको, कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्योंकि कभी कभी दिल जो है ना कहता है कि लाओ यार एक बढ़िया सी क्लास आप लोग ले लेते हैं, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए आप सबसे खतरनाक हेडिंग जो बहुत सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है, उस हेडिंग का नाम है नॉर्मलता। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। इसको थोड़ा मोहब्बत के साथ समझिएगा, बताइए नॉर्मलता स्टार्ट किया जाए, बोलिए भाई नॉर्मलता स्टार्ट किया जाए। चलो सुनो, बताइए जब भी कभी आपसे नॉर्मलता पूछा जाए कि बताइए नॉर्मलता क्या होती है, थोड़ा ध्यान से सुनना, नॉर्मलता बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी बोलते हैं इसको,
तो नॉर्मेलिटी का मतलब यानी नॉर्मलता का मतलब क्या होता है, तो इसमें ऊपर रखे जाते हैं बच्चों विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक। अब ये ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको, बस आप इतना याद कर लो विलेय के ग्राम तुल्यांक, थोड़ा मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, विलेय के ग्राम तुल्यांक है ना। तो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक ऊपर रखिए मेरे भाई, और याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, विलयन का जो आयतन है वो नीचे रखा जाएगा, विलयन का आयतन नीचे रखा जाएगा, और वो भी विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, सर लीटर में होना चाहिए। ये देखो ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूं ग्राम तुल्यांक को ही इंग्लिश में कहीं लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना। तो याद रखिएगा ये हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला है। तो बच्चों नॉर्मलिटी, नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। ओके, अब दूसरी बात सुनो, नॉर्मलता तो हम लोग कैपिटल एन से शो करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हाँ देखो विलयन का आयतन लीटर में वो आपको पता चल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। आज रिवीजन हो गया सर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल का, अच्छा ठीक है। तो बच्चों विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जा रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालोगे, विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालोगे, तो कह देना विलेय पदार्थ के अगर आपको ग्राम तुल्यांक निकालने हैं मेरे दोस्त, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, सर तुल्यांकी भार ऊपर रखना होता है, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार ऊपर रखना होता है, और डिवाइड बाई नीचे क्या करना होता है, तो नीचे या तो अम्ल की अम्लीता से भाग देते हैं, नहीं उल्टा हो गया, तुल्यांकी भार ऊपर, हाँ ठीक है, अणु भार बराबर क्या होता है थोड़ा मुझे बताइए। अगर मैं आपको कहूं कि ऊपर विलेय ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाएगा यह मुझे बताइए, है ना। तो बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, एक मिनट सही कर लेते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांक निकाला जाता है, ऊपर रखा जाता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और नीचे रखा जाता है बच्चों तुल्यांकी भार, नीचे रखा जाता है तुल्यांकी भार। ओके नहीं 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 ये सही है, ये सही है, विलेय पदार्थ का जो भी द्रव्यमान होगा वो तुम्हारा ऊपर होगा और नीचे भार रखना रखा जाता है तुम्हारा तुल्यांकी भार। अभी एक और चीज भी है इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, तो कह देना इक्विवेलेंट वेट जो निकाला जाता है तुल्यांकी भार जैसे कैसे निकाला जाता है, तो कहना तुल्यांकी भार निकाला जाता है अणु भार डिवाइड बाई अम्ल की अगर अम्लीता, या सीधे सीधे आप बोलिए एचायन की संख्या या OH आयन की संख्या, जो भी आपको रखना हो, तो यहां से निकाला जाएगा तुल्यांकी भार। ये तीनों चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, मैं बताता हूं संतोष अभी मैं बताता हूं, पहले मैं आपको ये समझ ला लूं, है ना। सोनू कुमार बहुत जल्दी उसकी भी अपलोड हो जाएगी, आज ही अपलोड हो जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या हुआ, अच्छा तो पहले आप समझो फिर से समझो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। नॉर्मलता मतलब विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, विलेय का आयतन को मारो बोली वो पता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकलेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा अणु भार बटे एचआईएन या फिर ओएचआईएन, है ना। चलो एक सवाल मैं ले जाता हूं आपसे, उससे आपका ये क्लियर और हो जाएगा। ये वाला सवाल सबसे प्यारा है, ये वाला सवाल जो है सबसे प्यारा सवाल है, और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये वाला सवाल कैसे लगाया जा रहा है, कैसे अटेम्प्ट हो रहा है, इसको समझो, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना ठीक है। हाँ नोट्स बना लेना बच्चों, ये सवाल का सोल्यूशन बड़े ध्यान से देखना, कायदे के साथ देखना, यही सवाल सबसे खास है। बोला ही जा रहा है कि 0.9 ग्राम H2SO4, बहुत ध्यान से सुना, 0.9 ग्राम H2SO4, तो इसमें कहा है द्रव्यमान दिया गया है 0.9 ग्राम, और अम्ल कौन सा है बच्चों H2SO4, और H2SO4 का बताइए अणु भार, सबको पता है कि इसका सर देखो अणु भार कितना होता है, तो कह देना H2SO4 का अणु भार होता है 98, है ना। तो द्रव्यमान 0.98 दिया है, अणु भार मैंने मुझे पता है, आयतन, आयतन भी दिया गया है देखो 500 ml
अब 500 ml आयतन का मतलब होता है बच्चों आधा लीटर, यानी 1/2 लीटर, ऐसा बोल सकता हूं ना मैं। तब इस विलयन की नॉर्मलता और मोलरता बताइए, पहले मोलरता बतानी फिर नॉर्मलता बतानी है। हाँ भाई क्वेश्चन आते हैं मोलरता और नॉर्मलता के, कैसी बात कर दी है ना। ओके तो बच्चों मुझे बताओ, अगर इस सवाल को मोलरता पहले निकालनी होगी तो मोलरता के लिए हमें चाहिए होता है मोलो की संख्या, बताइए मोलो की संख्या चाहिए होगी ना। तो आप मुझे बताओ इस आंकड़े की मदद से मैं नंबर ऑफ मोल कैसे निकालूंगा। चलो इंग्लिश में भी थोड़ा लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं, तो द्रव्यमान ऊपर रखा जाता है यानी 0.98 ऊपर रखा जाएगा और अणु भार 98 नीचे रखा जाएगा, 98 नीचे, समझो बात को। तो नंबर ऑफ मोल 0.98, द्रव्यमान ऊपर अणु भार नीचे, तो कैंसिल करके देख लीजिए तो ये मेरे हिसाब से 0.01 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल हमारे 0.01 हो जाएंगे। ओके तो 0.01 ये हमारे नंबर ऑफ मोल हो गए है ना। चलो मोलरता क्या होती है, सर मोलरता होती है नंबर ऑफ मोल ऊपर रखिए और डिवाइड बाय विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन 1/2 लीटर है, 1/2 लीटर, दो ऊपर कर दीजिए तो बताइए मोलरता का मान हो जाएगा 0.02 m, ये तुम्हारा मोलरता है। सब लोग पहले मुझे यहीं तक बताइए, यहीं तक सबको क्लियर है, फटाफट पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ मोलरता तक सबको समझ में आ गया, क्योंकि नॉर्मलता थोड़ा अलग खिचड़ी है ना। पहले आप मुझे बताइए मोलरता तक सबको समझ में आ गया, द्रव्यमान रखा, अणु भार दे रहे ना सब लोग, आयतन, नंबर ऑफ मोल निकाले, द्रव्यमान बटे अणु भार, मोलरता आ रही 0.02, सबको क्लियर है 0.02 तक। हाँ बिल्कुल जिंदगी तुमने भी सही आंसर बताया था। अब जब आपको नॉर्मलता निकालनी हो तो थोड़ा सा काम पहले से करना होगा। नॉर्मलता निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा बच्चों अलग से तुल्यांकी भार, सबसे पहले निकालना होगा तुल्यांकी भार। मैंने आपको बताया है कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है बच्चों, तुल्यांकी भार निकाला जाता है ऊपर रखा जाता है अणु भार, अणु भार 98 और नीचे रखा जाता है एच आयन या ओ एच आयन, एच आयन या ओ एच आयन। तो मेरे भाई H2SO4 में बताइए कितने एच आयन बनेंगे, तो अगर H2SO4 अम्ल है तो इसमें H2SO4 दो एच आयन बनेंगे और जब दो एच आयन बनेंगे तो तुल्यांकी भार हो जाएगा अणु भार बटे दो एच आयन, यानी तुल्यांकी भार हो गया 49। सबसे पहले मैंने तुल्यांकी भार निकाला, बोलो भाई तुल्यांकी भार सबको क्लियर हो गया, तुल्यांकी भार निकाल लिया, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, सब लोग जल्दी से बताइए। फिर इसके बाद निकालना पड़ेगा मुझे ग्राम तुल्यांक, यानी ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक निकालना पड़ेगा, ठीक है बताइए ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाते हैं। तो कहना ग्राम तुल्यांक निकाले जाते हैं, ऊपर मुझे रखना होगा द्रव्यमान और नीचे तुल्यांकी भार, तो ऊपर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान था 0.98 ग्राम और नीचे तुल्यांकी भार कितना निकाला 49। तो बच्चों अगर मैं ग्राम तुल्यांक की बात करता हूं तो 0.98/49 तो दो बार कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 दशमलव भी लगाना पड़ेगा 0.02, ये तुम्हारे ग्राम तुल्यांक आ गए। ओके तो ग्राम तुल्यांक हमें पता चल गया कितना हो जाएगा 0.02। बताओ पहले सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर है, हाँ ठीक है। ओके अब देखो सर मुझे दूसरी अगली टर्म क्या निकालनी है, सर अगली टर्म निकालनी है मुझे नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का थोड़ा फॉर्मूला याद करिए क्या था, तो कहना नॉर्मलता का बच्चों फॉर्मूला क्या था, तो कहना नॉर्मलता का फॉर्मूला था, बहुत ध्यान सुनना, ऊपर रखा जाता है ग्राम तुल्यांक की संख्या यानी 0.02 और नीचे रखा जाता है विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन बताइए कितना है 1/2। तो 1/2 विलयन का आयतन लीटर में रख दीजिए, तो फाइनली बताइए मुझे यहां से जो नॉर्मलता निकलते दिखाई दे रही है वो 0.04 n नजर आ रही है, 0.04 n। ओके ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, एक बहुत जबरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूं। पहले आप मुझे ये बताओ ये सवाल सबको क्लियर हो गया, फिर मैं आपको बताता हूं नॉर्मलता निकालने की जबरदस्त ट्रिक, नॉर्मलता निकालने की एक धमाकेदार ट्रिक कि नॉर्मलता निकालने के लिए, क्योंकि मोलरता तो भाई सब निकाल लेंगे, नॉर्मलता निकालने की ट्रिक बताता हूं है ना। तो बच्चों नॉर्मलता निकालने की जबरदस्त ट्रिक यह है कि जब भी कभी आपको नॉर्मलता निकालनी हो
तो मोलरता में एच आयन या ओ एच आयन जो कुछ भी आपका बन रहा हो बस उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आप पहले मोलरता निकाल लो सर, और अगर नॉर्मलता निकालनी है तो एच आयन या ओ एच आयन जो कुछ भी बन रहा हो बस उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। सवाल देखिए, मोलरता तुमने निकाली 0.02 और इसमें एच आयन कितने बनेंगे, दो। तो एच आयन जैसे दो बनेंगे तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं कि नॉर्मलता 0.04 हो जाएगी। 0.04 बोलो बच्चा, क्लियर है? तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया कि अगर नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता में एच आयन ओएच आयन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए वाले सवाल को, ट्राई दिस क्वेश्चन। सवाल यह है कि मेरे पास एक अम्ल है H3PO4, ओके? इसकी इन्होंने मोलरता दे दी, क्या दे दी मोलरता, 1 m, और तुमसे क्या पूछ रहा है डायरेक्ट, नॉर्मलता। तो जल्दी मुझे बताओ इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए। ओके, आंसर दीजिए। तो कहना कि मालिक अगर नॉर्मलता निकालनी है तो अभी अभी आप ही ने तो बढ़ाया कि मोलरता में एच आयन या ओ एच आयन की संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बोलो बच्चा, क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, नॉर्मलता अगर चाहिए तो मोलरता 1 और H3PO4 से 3 H बनेंगे, इसीलिए बताइए नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 3 n हो जाएगी। इसलिए सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बताइए, हट जाता हूं, देख लीजिए। नहीं, दो पिछली बार H2SO4 था तो वहां एच आयन और ओ एच आयन दो बन रहे थे, लेकिन H3PO4 है, H3PO4 में बताइए कितने एच आयन बनेंगे, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अंतिता, 2 क्यों बता रहे हो भाई तुम? ठीक है, तो बच्चों आज मैंने ना सब कुछ आपको पढ़ा दिया, मतलब जितना भी आपका कह सकते हो कि मोल कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता था, जितने भी कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और विश्वास मानिए, आज का लेक्चर लेने के बाद मुझे दिल को ना बड़ा सुकून सा मिल रहा है, मतलब इतना सुकून तो मैं सच बता रहा हूं जिस दिन शादी हुई थी उस दिन भी नहीं मिला था। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। अगर आप मेरे साइंस के कंप्लीट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंप्लीट बैच, तो ये कंप्लीट बैच 399 में है। आपको कॉल करना है 6393-125-760, या फिर माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप डायरेक्ट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बस आपको कूपन कोड जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है बच्चों योगी10, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोग मेरी फिजिक्स की स्मार्ट बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं जो कि मार्केट में आ चुकी है। सिर्फ 249 रुपए में आपको फिजिक्स सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है बच्चों। 249 रुपए में फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स की बुक तो मिलती ही मिलती है, साथ साथ जो है पूरा का पूरा फिजिक्स का कोर्स भी मिलता है। अब आप सोचिए, आपको कहीं पर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर, QR कोड से सोल्यूशन कैसे देखे? अरे, सोल्यूशन देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर फोन कर लीजिए ना, बता दे रही मैडम। ठीक है, ओके। तो मैं बताऊं, अभी मैंने केमिस्ट्री की किताब भी अभी अभी जस्ट कंप्लीट की है, केमिस्ट्री किताब भी लिख गई है, और केमिस्ट्री किताब लिख गई है तो ये जो आज का टॉपिक है ना, ये मेरी केमिस्ट्री की स्पेशल जो बुक आने वाली है उसका है। तो अगर आप लोग प्री बुकिंग कराना चाहते हो तो प्री बुकिंग भी करा लीजिएगा इस नंबर पे कि हाँ मुझे केमिस्ट्री की सर किताब चाहिए, और बहुत जबरदस्त लिखी है, मतलब आपने ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा ये सब केमिस्ट्री किताब का ही है। बड़े अच्छे अच्छे सवाल डाले, बहुत मजेदार, मतलब कूड़ा नहीं मैंने डाला है, एकदम सटीक और सही क्वेश्चन डाले। ओके, तो सब लोग को करना क्या है कि जैसे ही लेक्चर एंड होगा तो आप सब लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे, सारे के सारे बच्चे, आज मुझे 100 से ऊपर कमेंट चाहिए आज के लेक्चर में, वरना मैं दूसरी कभी ऐसी क्लास नहीं लगाऊंगा। दिल टूट जाता है यार, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मुझे वीडियो में कमेंट नहीं दिखाई देते तो दिल टूट जाता है। तो आज सारे के सारे लोग कमेंट करके बताना कि आज की जो क्लास थी वो कैसी रही, जबरदस्त रही?
अगर कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ने की आपकी डिमांड है कि सर ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, आप मुझे पढ़ा दो, चाहे वो बायोलॉजी रहो, चाहे केमिस्ट्री रहो, चाहे फिजिक्स रहो, मुझे बताना, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक मेंडल्स लॉ है, वो मुझे शनिवार को खत्म करना ही करना है, वो क्लियर है एकदम। ओके, तो मेंडल्स लॉ को खत्म करना है, ये तो क्लियर है शनिवार को। ले उसके अलावा अगर कोई टॉपिक है आपके मन में तो भी मुझे बता दीजिए ना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हंसते खेलते पढ़िए, टेंशन नहीं लेना जा भाई, विश्वास मानिए, जब तक मैं हूं ना आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, खास तौर से साइंस जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए जितेंद्र यादव को देखिए, कमेंट लास्ट में, अरे जितेंद्र कहां थे भाई, तुम्हारा कमेंट पहली बार मैंने देखा और तुम कह रहे हो झटकास, तो अभी तक आपने कमेंट क्यों नहीं किया? प्रमोद तुमने भी अभी लास्ट में ही कमेंट किया, कहां थे अभी तक? उज्ज्वल मंडल, हाँ जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तीनों की एक साथ मैं किताब लिख दूंगा तो वो फिर तीनों एक साथ आ जाएंगी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद साथियों।